हेलो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर चैप्टर वन इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक विच इज नेम इज़ वॉवल पेयर्स वॉवल जैसा कि हमको पता है कौन कौन से वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू ठीक है तो ये जो पांच वॉवल है ये जब पेयर में होते हैं पेयर का मतलब जोड़े में होते हैं जब साथ में होते हैं ठीक है तो हम इसको पढ़ते हैं मीट निकी एंड रिकी द टू गुड फ्रेंड्स मिकी एंड रिकी ये दो गुड फ्रेंड्स है दे आर हेयर टू गिव एन इम्पॉर्टेंट मैसेज अबाउट सम वॉबल पेयर्स ये जो है यहाँ पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं वॉवल पेयर के बारे में विच मेक ए लॉन्ग वोवल साउंड जब दो वॉवल साउंड जो है साथ में मिलकर एक अलग एक लॉन्ग वॉवल का साउंड निकालते हैं ठीक है जब दो वॉवल साथ में मिल जाते हैं तो एक वॉवल का जो साउंड निकलता है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है ठीक है When, इन्होंने क्या मैसेज दे रहे हैं ये When टू वोवल आर walking, जब दो वोवल साथ होते हैं ओनली वन टॉकिंग तो उनमें से एक वोवल का साउंड ही साथ में आता है ठीक है अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं ए आई ठीक है ए तो इसका ये साउंड क्या आएगा ए ठीक है ए साउंड आएगा आई का साउंड जो है साइलेंट uh, हो जाएगा वैसे इसमें ई e, ए ये भी दोनों वॉवल है ये दोनों वॉवल है ई e भी वॉवल है ए भी वॉवल है जैसा हमने पढ़ा था लास्ट हमारे आपकी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा ठीक है तो इसमें कौन किसका साउंड आएगा ई e. ई e का साउंड आएगा ओनली ठीक है इसमें भी आई और ई e है तो इसमें भी साउंड किसका आ रहा है ई e का साउंड आ रहा है उसमें आय ठीक है इसमें आएगा साउंड आई आए। ओके उसके बाद में हम बात करते हैं ओ और ए दो वॉवल साउंड है ठीक है दोनों वॉवल है लेकिन साउंड किसका है ओ ओ ठीक है सिर्फ ओ का साउंड आ रहा है ए का साउंड नहीं आ रहा है ठीक है तो ऐसे ही जो है इसमें भी होगा ओ ई ओ इसमें भी ओ का साउंड आ रहा है दो वॉवल है साथ में लेकिन एक जो वॉवल होता है वो साइलेंट हो जाता है जैसे अगर हम यहाँ पे जो मैसेज लिखा उसमें ऐसा ही होता है जब दो वॉवल साथ है तो एक का साउंड जो है वो साइलेंट हो जाएगा वो बिल्कुल बात नहीं करेगा और एक का साउंड ही जो है आएगा ठीक है यू ई यू इसमें साउंड सिर्फ यू का आएगा यू आई इसमें भी दो वॉवल है इसमें भी साउंड सिर्फ यू का आएगा ठीक है रीड द वर्ड्स इन चेक आउट हाउ टू वॉवल्स टूगेदर मेक वन लॉन्ग साउंड यहाँ पे जो नीचे टेबल बनी हुई है उसको पढ़िए और उसमें चेक कीजिए कैसे दो वॉवल जो है मिलकर साथ में एक वॉवल को उसका लॉन्ग वॉवल साउंड बना देते हैं ठीक है थीके? प्लीज योर फिंगर ऑन द डॉट्स एंड से साउंड द लेटर्स मेक जहाँ पे डॉट है वहां पे उनको पढ़िए और फिर जो साउंड आएगा वो कौन से लेटर का कौन से वोवल का जो है ज्यादा आएगा तो हम पढ़ते हैं ब्रेन ठीक है अब इसमें दो वॉवल हमें ढूंढने हैं तो कौन से वॉवल है जिनके नीचे अंडरलाइन हो रखा है ब्रेन तो का ही साउंड आ रहा है इसमें आई का तो आई नहीं रहा है तो दो वोवल है फिर भी साउंड का ही आ रहा है ठीक है नेक्स्ट है बीट तो इसमें ई e, ए दोनों वो साथ में है लेकिन साउंड किस आ रहा है सिर्फ ई का आ रहा है ठीक है वैसे ही thief thief में भी आई और ई e साथ में है तो इनका साउंड साथ में आ रहा है उसके बाद में है पाए तो आई और ई e, दोनों साथ में है लेकिन साउंड किस आ रहा है आई का आ रहा है ठीक है वैसे ही बोट ओ और ए दोनों वो वाले साथ में है साउंड किस का o का, o का आ रहा है ओ का बोट ओ का साउंड आ रहा है ना वैसे ही टोज टोज अगर हम बोलेंगे तो ओ और यही इसकी जब ये जो स्पेल spell है स्पेलिंग है इसको अलग अलग जब हम करेंगे तो ओ और ये क्या है वॉवल है ठीक है दोनों में वॉवल आएंगे साउंड किसका आ रहा है जब हम बोलेंगे तो टोज ओ का वैसे ही ग्लू तो ये यू और ई दोनों ही क्या है वॉवल है और इसमें साउंड किस का आ रहा है सिर्फ यू का साउंड आ रहा है ई का साउंड जो है नहीं आ रहा है ग्लू यू का साउंड आ रहा है ना वैसे ही स्यूट ठीक है स्यूट वैसे इसमें किसका साउंड आ रहा है सिर्फ यू का साउंड आ रहा है यू और आई दोनों क्या है वॉबल साउंड सिर्फ किसका आ रहा है सिर्फ यू का आ रहा है ठीक है वैसे ही क्या है द लेटर पेयर्स ए आई एंड ओ डब्ल्यू ईच मेक है लॉन्ग वोवल साउंड ये लोग ये भी क्या होते हैं लॉन्ग साउंड बनाते हैं जैसे ब्लो को साउंड को ना थोड़ा बड़ा बना रहा है डब्लू के साथ हो गया तो ठीक है जैसे ही प्ले ए को बड़ा बना रहे हैं क्रोज बड़ा बना रहे तो ओ को बड़ा बनाएंगे ए डब्ल्यू ए, तो ए का साउंड लॉन्ग कर देंगे पेयर ए आई ई ए आई ई ए यू एंड यू आई आर शोन एज मेकिंग ए लॉन्ग अगर ये साथ में होते हैं ना तो क्या होता है जो वॉवल वो, होता वो है ना पहले वाला उसका साउंड क्या हो जाता है लॉन्ग हो जाता है ठीक है तो लेटर्स पेयर्स ए वाई एंड ओ डब्ल्यू अगर ये लेटर्स होते हैं ए वाई और ओ डब्ल्यू ये तो हो गए सिर्फ वोवल की बात यहाँ पे तो ठीक है और यहाँ पे जो हो रही है वो लेटर्स की हो रही है कि वाई तो क्या है कॉन्सोनेंट है लेटर है ठीक है और ए वॉबल तो ये दोनों भी क्या होते हैं ये दोनों पेयर ये जब ये दोनों साथ में होते हैं तो ए को ये लॉन्ग कर देते हैं इधर ये वाला जो है वो ए का साउंड लॉन्ग कर देता है और ओ डब्ल्यू जो है ओ का साउंड लॉन्ग कर देते हैं ठीक है अ लॉन्ग वोवल मोस्टली इट्स इट्स ओन ओन नेम लॉन्ग वोवल जो होता है वो क्या करता है उसका अपना नेम बताता है अपने अपनी जो आवाज होती है अपना जो साउंड होता है उसको लॉन्ग कर देता है ठीक है यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय